प्रदेश में एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की कमी के चलते ब्लैक फंगस पीड़ितों के उपचार का संकट भी पैदा हो गया है। इंजेक्शन नहीं होने से मरीजों की सर्जरी टाली जा रही है। इससे साफ हो जाता है कि प्रदेश में स्थिति कितनी गंभीर हो गई है। भास्कर ने 22 जिलों की पड़ताल की तो सामने आया कि 14 जिलों में एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन नहीं है। इस वजह से 22 मरीजों की सर्जरी अटकी पड़ी है। बता दें कि सिर्फ उन्हीं मरीजों की सर्जरी की जा रही है जिनकी हालत ज्यादा गंभीर है। वहीं सिरसा में ब्लैक फंगस से शुक्रवार देर शाम 2 मरीजों की मौत हो गई। मौत की वजह को लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है और साथ ही शनिवार को प्रदेश में ब्लैक फंगस के नए 66 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कुल मरीजों की संख्या 398 हो गई है। सबसे ज्यादा मरीज 13 हिसार में मिले हैं, इसके बाद 9 केस सिरसा में मिले हैं। प्रदेश में कोरोना से मौतों का आंकड़ा घटने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को 114 मौतों के साथ प्रदेश में कुल आंकड़ा 8019 हो गया। अब हर 6 दिन में 1000 मौतें हो रही हैं। 4 मई तक 5000 मरीजों की जान गई थी। बता दें कि 3 मई से लॉकडाउन लगा दिया गया था। इसके बाद लगातार हर 6 दिन में 1000 मरीज दम तोड़ रहे हैं। हालांकि संक्रमण कम हो रहा है। शनिवार को 5034 नए मरीज मिले। कुल संक्रमित 7,33,416 हो गए हैं। शनिवार को 11,327 मरीज ठीक हुए। वहीं अब तक 6,71,220 मरीज ठीक हो चुके हैं। अब एक्टिव मरीजों की संख्या 50,000 से कम हो गई है। 9 दिन में इनका आंकड़ा 1,00,000 से घटकर 47,177 हो गया है। थाना क्षेत्र के गांव बहलबा में 2 गुटों में 1.5 घंटे तक लगातार खूनी संघर्ष होता रहा। देखते ही देखते महमबेरी रोड पर खून और पत्थर दिखाई दिए। दोनों पक्षों के लगभग 1 दर्जन लोगों को गंभीर चोट आई। बताया जा रहा है कि 4 युवक जुआ खेल रहे थे। एक ने बेगी पर 100 रुपए दाव पर लगाए थे। तभी बाहर से एक अन्य युवक आ गया, जिसने आते ही 100 रुपए की बजाय ज्यादा रुपए लगाने की बात कहते हुए विवाद खड़ा कर दिया। दोनों में तू-तू मैं-मैं होती रही। देखते ही देखते खूनी संघर्ष शुरू हो गया। दोनों गुटों की महिला और पुरुष आमने सामने थे। लाठी डंडे पत्थर और तलवार से एक दूसरे पर वार करते रहे, जिसमें दर्जनों महिला और पुरुष घायल हो गए। 1.5 घंटे तक महमबेरी रोड पर खूनी संघर्ष चलता रहा। तब तक रोड भी पूरी तरह से जाम रहा। इस बीच अन्य ग्रामीणों में दहशत का माहौल रहा। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों के लोगों को अस्पताल पहुंचाया। सिविल अस्पताल में शनिवार सुबह हंगामा हो गया, जब एक कोरोना मरीज महिला के साथ आई 2-3 अटेंडेंट महिलाओं ने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर अंकित के साथ हाथापाई कर दी। एक महिला ने थप्पड़ भी जड़ दिया। महिलाओं का आरोप था कि डॉक्टर इलाज में कोताही बरत रहे हैं, बार बार बुलाने पर मरीज को देखने नहीं आ रहे। अस्पताल में कई दिन से महिला राजपति कोरोना वार्ड में दाखिल थी। उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। महिला मरीज ने सुबह 10 बजे दम तोड़ दिया। महिला की मौत के बाद परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल प्रबंधन उन्हें डेड बॉडी नहीं सौंप रहा। प्रदेश सरकार कोरोना काल में सफाई कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत का कदम उठाने जा रही है। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने कोरोना ड्यूटी के दौरान किसी भी सफाई कर्मचारी की कोरोना से मौत होने पर उसके परिवार को 20,00,000 रुपए का मुआवजा राशि देने की घोषणा की है। विज ने बताया कि हरियाणा सरकार ने पहले डॉक्टरों और पुलिस कर्मियों को मुआवजा राशि देने का ऐलान किया था, जिसके तहत डॉक्टरों को 50,00,000 और पुलिस कर्मियों को 30,00,000 रुपए दिए जा रहे हैं। सरकार की घोषणा सफाई कर्मचारियों को राहत देने का काम करेगी। उन्हें अपने काम को पूरे मनोबल से सिर चढ़ाने का साहस मिलेगा।